आप चित्र देख रहे हैं इसमें ये पीपल का वृक्ष का पत्ता है, इसको पजर करके लगाया हुआ है और इसको कुरुक्षेत्र से लिया गया है। इसको वहां से लेने के दो कारण, एक कारण तो ये है कि जो हमारी 700 श्लोक भगवद गीता है वो वही दी गई थी कुरुक्षेत्र में, कृष्ण जी ने अर्जुन को दी थी। और दूसरा ये वो कहते हैं कि वृक्षों में सर्वप्रिय मुझे मेरा पीपल है, मैं उसमें निवास करता हूँ। अब देखो शनिवार को लेडीज वगैरह सब पूजा करती हैं और शनिवार के दिन उनको स्पर्श भी किया जाता है और बाकी दिन उनको स्पर्श नहीं किया जाता। इसके बाद देखिए सभी कंटेंट है, जैसे मान लिया किसी में लगाते हैं इसको, चैप्टर 1 ऑन पेज नंबर 1 अर्जुना विषाद योग, अर्जुन डिलेमा, अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का संताप। इस तरीके से दे रखा है, कंटेंट दे रखे हैं। हाँ अब देखिए ये यहाँ पर शंख बजा रहे हैं अर्जुन, कहते हैं शंख की ध्वनि और जहां बजती है वहां निगेटिविटी तो रह सकती नहीं है। ये भगवान कृष्ण का शंख है, अपने गुरुओं पितामहों परिवारिक जनों को देखकर अर्जुन बोले साहब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, हत्या डाल दी इन्होंने। तो वहां पर ये क्या कह रहे हैं और कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं उनको, ये देखिए। मधुसूदन समर मैं भीष्म द्रोणाचार्य पर मैं बाण मरी सूदन चलाऊं हमारे पूज्यवर। ये क्या समझा रहे हैं कृष्ण जी महाराज, आगे बढ़े। ये युद्ध का मैदान का दृश्य है, एक यहाँ तक भगवद गीता का इंट्रोडक्शन था, यहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में 6 भजन दे रखे हैं, नीचे ये मेडिटेशन दे रखा है श्री रविशंकर जी की आवाज में है, 4 सर्किल दे रखे हैं और आरतियां दे रखी है 4। हम एक करके देखते हैं क्या ये भजन, देखिए। इसके बाद देखिए मेडिटेशन है श्री श्री रविशंकर जी की आवाज में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये। Let's sit comfortably and easily. ये दोनों में सुनाएगा, योगा क्लास के लिए है। इसके बाद 4 सर्किल दे रखे हैं आपको, पहले सर्किल में 1 शंख है, दूसरे में 2 शंख हैं, तीसरे में मोर पंख है और चौथे में बांसुरी है। अगर आप पहले पे लगाते हैं इसको शंख वाले पे तो ये पूरे चैप्टर को संस्कृत में सुना देगा, अच्छा। पूरे फर्स्ट चैप्टर को दूसरे पे लगाते हैं तो ये संस्कृत उसकी हिंदी भी बता देगा, पहले संस्कृत फिर उसकी हिंदी। मोर पंख पे लगाते हैं तो पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। और इस पे लगाते हैं तो ये गद्य के रूप में सुना देगा, अच्छा। भगवद गीता को गद्य के रूप में गा के सुनाई जाती है, ये कल्पना हो सकती है कि भले उसे साकार करके दिखाया इस भगवद गीता। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के विवेचन कर रहा है युद्ध को जन्म देने के लिए, ये संस्कृत उसकी हिंदी। गुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध, देखिए गा के सुनाए, नहीं नहीं कभी भी 100 साल की गारंटी किताब की इसकी, पर पानी नहीं करना चाहिए इसके, सेंसर लगे हुए इसमें। चलेगा ये है ना, अवेलेबल है। राजा
आवाज बढ़ाने के लिए नीचे वाला इसे कम करने का है। ये म्यूजिक है ना, मैं वो है आरती वगैरह इसमें, यहाँ से प्रोनाउंसिएशन अपना इम्प्रूव करने के लिए है, इस तरीके से ही है। इसको टीवी में डालने ब्लूटूथ ले आया, ब्लूटूथ जी ब्लूटूथ लगाना हो, हाँ ब्लूटूथ हो जाएगा, उसमें हो जाएगा टीवी में ब्लूटूथ लग जाता ना, नहीं ये ब्लूटूथ से नहीं लगेगा। अच्छा जी, अच्छा ये अलग डिवाइस है, ठीक। अच्छा इसी के लिए बनाया गया, इसी के लिए बनाया गया। इसके बाद आरतियां दे रखी है, कोई आरती सुन सकते हैं इसमें से आप? हाँ गणेश जी की आरती है, गीता जी की आरती है, कृष्ण की आरती है, ऐसा लिखा है इसमें ना। अच्छा इसके बाद देखिए आप, यहाँ से हमारा ये मैसेज मैंने बताया आपको, पूरा टॉपिक आपका फर्स्ट यहाँ सुन सकते हैं आप, चार तरीके सुन सकते हैं, संस्कृत सुन सकते हैं, उसकी हिंदी सुन सकते हैं, उसका पूरा विमोचन सुन सकते हैं हिंदी वेशनास की, और ये गा के सुन सकते हैं। आगे चलते हैं, आप कहते हैं सर कि हमें एक मान लीजिए कोई बीच में सुनना है, मतलब पूरा श्लोक नहीं सुनना, मतलब पूरा चैप्टर नहीं सुनना, कुछ बीच में सुननी है, तो आप बीच सुन सकते हैं इसको। आप हर क्या श्लोक के ऊपर एक ओम बना हुआ है, तो ओम जो बना हुआ अगर यहाँ पे इसको टच करते हैं तो पहले उसकी संस्कृत बताएगा, फिर उसकी हिंदी बताएगा, फिर उसकी इंग्लिश में बताएगा, ठीक है। ऐसी है, आप दिखाते देखो आपको एक हम इसे वाली आप सुनना चाहते हैं कि मुझे केवल संस्कृत सुननी है, मुझे पूरा नहीं सुना तीनों में, तो यहाँ लगा दीजिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये मालिक कोई वर्ड में कठिन वर्ड आया है और आपको उसकी हिंदी नहीं पता है, आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, तो इस पे लगा दीजिए श्वेतेर हयर युक्ते, ठीक है। दोबारा लगाइए इसी के ऊपर, श्वेत घोड़ों से युक्त, उसका अर्थ बता दीजिए, ठीक है। आप डायरेक्टली इस पे लगा के, हाँ इस पे लगाए तो ये बताएगा, ये बताएगा, ये बताएगा, ओम पे लगाएंगे तो पहले संस्कृत बोलेगा उसकी, तो उसकी हिंदी बोलेगा, हम दो ही चीज सुनना चाहते तो बंद कर दो, यहां से बंद कर दो। आप जैसे मान लीजिए आप हिंदी सुनना चाहते हैं, हिंदी लगा दीजिए, हिंदी का शायद ये होगा, वही है। उसके बाद हो गया, सफेद घोड़ों से युक्त महान रथों पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अब आप चाहते हैं इसको डीपली एक्सप्लेन सुनना चाहते हैं तो इसको मोर पंख पे लगा दीजिए। अच्छा, कौरवों की तरफ से शंखनाद, इसको पूरे को ढंग से एक्सप्लेन कर देगा अच्छे से, पांडव सेना, यस भगवत गीता को बिल्कुल अलग बना, सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर अर्जुन, ये इसको और एक्सप्लेन कर रहा है ढंग से। अब मान लीजिए आप कहते हैं साहब मुझे इंग्लिश में सुनना है तो यहाँ लगा दीजिए, और आप कहते हैं मुझे इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन सुनना है तो मोर पंख पे लगा दीजिए, वो इंग्लिश कर देगा आप, नहीं इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश देखिए Then gracefully seated on their great chariot pulled by white horses, Lord Krishna and Arjuna blew their divine conch shells loudly. अब इसको एक्सप्रेस ना तेज़ आसे ला दी। The Kauravas had already blown the conch shell. ये सी वर्षे Now it was the turn of the army of the Pandavas. अच्छा अब कहते हैं मान लीजिए आपके कोई मित्र ऐसा आया जो पंजाबी है, गुजराती है, तमिल है, मराठी है मित्र आपका, तो यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करना है आपको, ये लैंग्वेज सिलेक्शन का कार्ड दे रखा है, अच्छा यहाँ सेलेक्ट कीजिए, मान लिया पंजाबी मित्र कोई आपका मिला, पंजाबी पंजाबी, अब इसको लगाइए। उस तो बाद सफेद कोड़िया नाल बनने हुए रथ उठते बैठे भगवान श्री कृष्ण अति पांडु पुत्र अर्जुन ने दिव्य शंख बड़े जोर नाल बजाया। अब मानिए कोई गुजराती मित्र आपके आते, गुजराती गुजराती सफेद घोड़ा द्वारा हाँकता तिमना महान रथ पर चित्ताकर्षक रूपे बैठेला भगवान श्री कृष्ण अने अर्जुन जोर थी तिमना दैवी शंखनाद करे। तो इस प्रकार से पूरी भगवद गीता को हम इस रूप में सुन सकते हैं, कोई तमिल में मान लीजिए, लेकिन हाँ तमिल है, ये देखिए तमिल है, ये तमिल तमिल है आपकी, यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी आपको किसी आगे, तमिल 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 வெண்குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட மகத்தான ரதத்தில் அமர்ந்தபடி
भगवान श्री कृष्ण पांडु पुत्र। इसमें एक बात और है, जब आपको यहाँ से निकलना होगा तब वापस हिंदी करना होगा, इसे ना भूले। हिंदी मतलब आप लगाते रहेंगे वो तमिल बोलता रहेगा। इस प्रकार से पूरी भगवतम सुन सकते हैं इसको, और हर चैप्टर का यही जैसे मैंने बताया सबके रूल ये वही है। अब एक आपको फ्लूट सुनाता हूँ, बहुत शानदार। देखिए कहते हैं बांसुरी की ध्वनि और शंख आपने अपने पूजा में रखे हुए हैं, फ्लूट है ये भगवान कृष्ण की बांसुरी है। बच्चों के लिए भी है, जैसे हमारा एक मैं दिखाता हूं आपको, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए अट्रैक्शन के लिए पीकॉक वॉइस और ये रखा देगी। ये देखिए गाय काऊ ठीक है। अच्छा अब आपको दिखाता हूं मैं कि इससे जुड़ने का मेरा क्या कारण था, मैं इसे क्यों जुड़ा इससे, मैं आपको वो चीज सुनाता हूं। देखिए जो पुरुष मेरी परम भक्ति करके इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा वह निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। एक और सुनाता हूं, मनुष्यों में उससे बढ़कर न तो कोई मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है और न ही उससे बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई मेरा प्रिय होगा। इसको और एक्सप्लेन होना चाहिए, यहाँ लगा दीजिए और डीपली एक्सप्लेन कर देगा उस चीज को, और इतना अच्छा बताया गया कुछ पूछे। देखिए विजयश्री कहाँ मिल सकती है, मनुष्य चाहते हैं विजय मिलनी चाहिए, हर आदमी चाहता है, तो कैसे विजय मिलेगी दिखाता हूँ आपको। हे राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। ये विजय छह व्यक्तियों के लिए है, तो देख सकते हैं ये एक ही पेज में पूरी भगवद गीता उनके लिए है। अच्छा अच्छा, चैप्टर यहाँ सेलेक्ट करेंगे और लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट करेंगे ठीक है। इसके बाद देखिए हु शुड रीड द भगवद गीता, किन किन व्यक्तियों को गीता पढ़नी चाहिए, तो क्या कहते हैं, कोई जवान हो बूढ़े हो धनी हो गरीब हो भगवद गीता हर मनुष्य को पढ़नी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हमारा एम यही है कि भगवान के पास पहुंचना, उनके चरणों में रखना। स्वर्ग भी नहीं बताया गया है, स्वर्ग भी नहीं मोक्ष की प्राप्ति, ये मनुष्य जीवन का ही है, ये आत्मा है। और देखिए इसके बाद एक बहुत हमें गिफ्ट के रूप में दो पेज मिलते हैं, वो आपको दिखाता हूं। देखिए आपको ना वो इस प्रकार से है, ये दो लीफलेट मिलते हैं। आपने देखा था कि छह भजन हर चैप्टर के स्टार्टिंग में थे, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, तो 18 चित्र का 108 कृष्ण जी के भजन आपको दे रखे एक ही पेज में ठीक है। यानी इस एक पेज में कहूं तो पूरी भगवत गीता है, ये जो आपको पूरी देखी आपने ये पूरी इस एक पेज में। देखिए भजन सुनाता हूं आपको थोड़ा सा, यहाँ पे देखा था वही एक फूल बना हुआ है और चार सर्किल बने हुए हैं और चैप्टर वन ऐसी सब चैप्टर 18 तक पूरा दे रहा है, पूरी भगवत गीता से एक पेज दे रहा है। सारांश है ये, जैसे मान लिया दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए रीढ़ की हड्डी सीधा रखें शरीर को ढीला छोड़ दें, ये जान के बैठे आपके भीतर जो धरती है सात्विक तृतीय है।